तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रोडक्ट और सिंक्रोनस डिटेक्टर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रोडक्ट डिटेक्टर या सिंक्रोनस डिटेक्टर क्या होता है, इसका यूज़ किस लिए होता है? लास्ट वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि हमारे पास वेव्स का एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव का डीमॉड्यूलेशन ज़रूरी क्यों है, होता क्या है और कैसे हम डीमॉड्यूलेट कर सकते हैं वेव को। और उसमें हमने जो डिटेक्टर यूज़ किया था वो था स्क्वायर ला डिटेक्टर। यहाँ पर एक अनदर डिटेक्टर है जिसको हम प्रोडक्ट डिटेक्टर या फिर सिंक्रोनस डिटेक्टर कहते हैं, जिसका यूज़ हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव के डीमॉड्यूलेशन के लिए करते हैं। तो बेसिक प्रोसेस क्या है कि यहाँ से एएम सिग्नल्स और जो ओसिलेटर है जो कि कैरियर सिग्नल्स को जनरेट करता है, उन दोनों सिग्नल्स को प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर के पास भेजा जाता है, एक साथ भेजा जाता है। और प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर की जो भी आउटपुट होती है उसको हम सेंड करते हैं लो पास फिल्टर से, और लो पास फिल्टर से जो भी हमें आउटपुट मिलेगी वो क्या रहेगी हमारी, फिर डीमॉड्यूलेटेड वेव रहेगी, या फिर हम कहें हमें ओरिजिनल सिग्नल मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव की। हमें पता है कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव की जो आउटपुट होती है वो ये होती है VC1+MsinωMtSinωcT। तो इसको हम सेंड करते हैं प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर के साथ। साथ ही ये जो ओसिलेटर है वो क्या कर रहा है, कैरियर सिग्नल्स को जनरेट कर रहा है। तो कैरियर सिग्नल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, VC sin ωCT। लेकिन यहाँ पर हमने एक और एक्स्ट्रा टर्म ऐड की है जो कि है फाई, और फाई को हम यहाँ पर बोल रहे हैं फेज डिफरेंस। अब यहाँ पर हमने फेज डिफरेंस को क्यों इंट्रोड्यूस किया है, क्योंकि जिस टाइम पर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव को प्रोडक्ट डिटेक्टर के पास भेजा जा रहा है, उसी टाइम पर हम ओसिलेटर से भी क्या कर रहे हैं, कैरियर सिग्नल्स को सेंड कर रहे हैं। तो जिस टाइम पर हम ये काम कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि उस टाइम पर दोनों का जो फेज है वो सेम हो। हो सकता है कि अगर हम T=0 पर बात कर रहे हैं, तो अगर यहाँ पर हमारे पास ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव है, तो ज़रूरी नहीं है कि कैरियर वेव यहाँ से ही शुरू हो T=0 से। हो सकता है कि उस टाइम पर उसका कुछ ना कुछ फेज हो, किसके रेस्पेक्ट में, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव के रेस्पेक्ट में। हो सकता है कैरियर वेव यहाँ से शुरू हो रही हो, तो हमारे पास यहाँ पर क्या है, कुछ ना कुछ फेज मिल रहा है यहाँ पर। तो इसीलिए इस फेज को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने यहाँ पर क्या कंसीडर किया है, फाई कंसीडर किया है। तो यहाँ से प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर नाम से ही पता चल रहा है, तो ये क्या करेगा, इन दोनों की आउटपुट का प्रोडक्ट हमें देगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट में हमें क्या मिलेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ये हमारे पास एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव की आउटपुट, ये हमारे पास ओसिलेटर से जो आउटपुट मिली वो, और इन दोनों का जैसे ही हम प्रोडक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर की आउटपुट हमें मिल जाएगी। अगर इसको सोल्व करें तो देखिए हमारे पास क्या बन रहा है, VC का स्क्वायर हो जाएगा 1+MsinωMt, और यहाँ पर ये क्या बनेगा, sin ωCT sin ωCT+ में φ। अब हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा 2 sin A sin B का फॉर्मूला, जो कि क्या होता है, cos A - B - cos A+B। और अगर इस वाले टर्म को हम मल्टीप्लाई कर दें दोनों टर्म्स के साथ, तो हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो ये आएगा। अब यहाँ पर आउटपुट में हमें क्या मिल रही है, 2 टर्म मिल रही है। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास ओमेगा सी कहीं पर भी हमें दिखाई नहीं दे रहा, और यहाँ पर ओमेगा सी की टर्म आ रही है, ये जो टर्म आ रही है। अब देखिए हम यहाँ पर ये जो आउटपुट है प्रोडक्ट डिटेक्टर की, अब वो किसको सेंड कर रही है, लो पास फिल्टर को। और यहाँ पर जो सेकेंड टर्म है उसमें क्या आ रहा है, ओमेगा सी मतलब कैरियर की फ्रिक्वेंसी, और हमें पता है कैरियर की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो बहुत ही हाई होती है, लेकिन हम यूज़ कर रहे हैं लो पास फिल्टर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो लो पास फिल्टर है वो सिर्फ लो फ्रिक्वेंसीज को ही अलाउ करेगा, जो हाई फ्रिक्वेंसीज है उनको रिजेक्ट कर देगा। तो इसका मतलब ये जो सेकेंड टर्म है जो कंटेन करती है हाई फ्रिक्वेंसी कैरियर कंपोनेंट को, वो किसके द्वारा रिजेक्ट हो जाएगी, लो पास फिल्टर के द्वारा। और जो आउटपुट मिलेगी हमें लो पास फिल्टर की, वो सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगी, ये जो फर्स्ट टर्म है हमें ये आउटपुट के अंदर मिलेगी। अब देखिए फर्स्ट टर्म में हमारे पास क्या आ रहा है, फर्स्ट टर्म के अंदर हमारे पास आ रहा है M sin ωMt, और ये क्या है हमारे पास, ओरिजिनल सिग्नल की आउटपुट। क्योंकि ओरिजिनल सिग्नल क्या था हमारा, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल या फिर मैसेज सिग्नल। तो उसमें हमें क्या मिलता है, जो मैसेज सिग्नल होता है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, V = Vm
साइन या कोस जो भी है हमारे पास, साइन ओमेगा एम टी, तो ये हमारे पास क्या मिल गया, ओरिजिनल सिग्नल हमें मिल गया। अब यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है, ये एक एक्स्ट्रा फैक्टर दिखाई दे रहा है कोस फाई का। तो मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया था कि दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस होता है उस पर भी क्या करता है, यहाँ पर ये डिपेंड करता है। तो सबसे फर्स्ट केस हम कंसिडर कर रहे हैं जब हमारे पास फाई क्या है, जीरो है। जैसे ही फाई को जीरो पुट करेंगे, जीरो होने का मतलब दोनों के बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं है, तो उस टाइम पर एम्पलीट्यूड क्या मिलना चाहिए, मैक्सिमम, ठीक है। तो जैसे ही हम फाई को जीरो पुट करेंगे तो कोस फाई कितना हो जाएगा, वन, और जो हमारे पास आउटपुट मिलेगी वो क्या मिलेगी, मैक्सिमम मिलेगी। अब सेकंड केस कंसीडर करते हैं जब हमारे पास एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव और जो हमारे पास कैरियर वेव है उन दोनों के बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है, तो कोस 90 कितना हो जाएगा, जीरो। तो उस टाइम पर जो आउटपुट आएगी वो कितनी आएगी, वो जीरो आएगी। और इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेचर नल इफेक्ट, क्योंकि यहाँ पर हमें जो आउटपुट मिल रही है कुछ भी नहीं मिल रही है, नल आउटपुट मिल रही है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेचर नल इफेक्ट। तो इसका मतलब जो हमारे पास आउटपुट होगी वो किस पर डिपेंड कर रही है, वो डिपेंड कर रही है फेज एंगल फाई पर, इसीलिए यहाँ पर हमने क्या किया है, इस फेज को भी कंसिडर किया है। तो ये इसका बेसिक था। अब हम इसका देखते हैं सर्किट डायग्राम, जो कि बहुत ही सिंपल है सर्किट डायग्राम। तो ये हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट डिटेक्टर का सर्किट डायग्राम। तो यहाँ पर ये जो आपको दिखाई दे रही है ये क्या है, हमारे पास रेडियो फ्रिक्वेंसी ओसिलेटर जो कि जनरेट कर रहा है कैरियर सिग्नल्स को, जिसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है, FC, ठीक है। यहाँ से हमारे पास क्या जा रहे हैं, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल, और ये जो हमें दिखाई दे रहा है सर्कल के अंदर ये है प्रोडक्ट डिटेक्टर, क्योंकि प्रोडक्ट डिटेक्टर के पास ही हम दोनों सिग्नल सेंड करते हैं। तो यहाँ से हमने भेजे कैरियर सिग्नल और यहाँ से एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल, जो क्या कंटेन करते हैं, कैरियर फ्रिक्वेंसी और साथ में मॉड्यूलेटिंग फ्रिक्वेंसी को, लोअर साइड फ्रिक्वेंसी और अपर साइड फ्रिक्वेंसी दोनों को कंटेन करते हैं। तो यहाँ से हम भेजेंगे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल, ये पूरा जो सर्किट हमें दिखाई दे रहा है ये क्या करेगा, जनरेट करेगा कैरियर सिग्नल्स को। इन दोनों सिग्नल्स को किसके पास भेजा जाता है, प्रोडक्ट डिटेक्टर के पास। अब यहाँ पर प्रोडक्ट डिटेक्टर के आउटपुट हम ऑलरेडी देख ही चुके हैं। अब प्रोडक्ट डिटेक्टर के बाद यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया है, एक कैपेसिटर C1 हमें दिखाई दे रहा है, रेजिस्टेंस R, और कैपेसिटर C2 भी दिखाई दे रहा है। तो कैपेसिटर C1 का क्या काम है, जैसे कि हमें पता है जो कैपेसिटर होता है वो हाई फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट को तो पास कर देता है इजीली, और जो लो फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट होते हैं उनको क्या कर देता है, रोक देता है, ठीक है। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ से हमें प्रोडक्ट डिटेक्टर से जो आउटपुट मिल रही है उसमें क्या आ रही थी, एक तो कोस फाई वाली टर्म आ रही थी और एक और टर्म आ रही थी सेकंड टर्म, जिसमें हमारे पास ओमेगा सी आ रहा था, मतलब हाई फ्रिक्वेंसी वाली जो टर्म आ रही थी। तो ये जो C1 कैपेसिटर ये क्या करेगा, ये जो सेकेंड टर्म थी हाई फ्रिक्वेंसी वाली उसको तो क्या कर देगा, पास कर देगा, और जो लो फ्रिक्वेंसी वाली फर्स्ट टर्म थी वो कहाँ जाएगी, इस रेजिस्टेंस के पास। तो रेजिस्टेंस में क्या दे देगा, आउटपुट दे देगा। अब यहाँ पर एक और जो कैपेसिटर C2 है वो इसलिए लगाया गया है कि यहाँ से कैपेसिटर C1 से जो भी हमें आउटपुट मिल रही है अगर उसमें कोई हाई फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट अगर बच गया है तो उस हाई फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट को ये कैपेसिटर C2 क्या कर देगा, पास कर देगा, और रेजिस्टेंस के पास सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, लो फ्रिक्वेंसी वाला कंपोनेंट, मतलब जो हमें डीमोड्यूलेटेड वेव चाहिए थी सिर्फ वही कंपोनेंट बचेगा, और इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस हम क्या ले लेंगे, आउटपुट ले लेंगे। तो ये हमारा सिंपल सा बेसिक सर्किट है, किसके लिए, प्रोडक्ट डिटेक्टर, या फिर जिसको हम सिंक्रोनस डिटेक्टर भी कहते हैं। और इसे हम सिंक्रोनस डिटेक्टर क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो हम फ्रिक्वेंसीज कंसीडर कर रहे हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल के अंदर मिल रही है FC प्लस माइनस FM, और यहाँ से जो सिग्नल जनरेट हो रहे हैं उनकी फ्रिक्वेंसी क्या है, FC, दोनों के दोनों सेम फ्रिक्वेंसी FC फ्रिक्वेंसी को जनरेट कर रही हैं, मतलब जितनी फ्रिक्वेंसी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड के अंदर थी कैरियर की सेम वही फ्रिक्वेंसी कौन जनरेट कर रहा है, रेडियो फ्रिक्वेंसी ओसिलेटर। तो इसीलिए इस डिटेक्टर को हम क्या कहते हैं, सिंक्रोनस डिटेक्टर, या फिर उसको क्या कहते हैं, हिटरोडाइन डिटेक्टर भी कहते हैं, बिकॉज द फ्रिक्वेंसीज प्रोड्यूस्ड बाय ऑसिलेटर एंड AM वेव्स आर सेम।
ठीक है। इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस क्या है, ये 100% एफिशिएंट है और इट कैन बी यूज फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। और डिसएडवांटेज क्या है, डीमोड्यूलेशन जो है वो इसका बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, जैसा कि आप देख ही सकते हैं कि कितना कॉम्प्लेक्स हमारे पास ये सर्किट डायग्राम है। और ये अगर कॉम्प्लेक्स है तो उसको बनाने में हमें क्या करना पड़ेगा, पैसे भी ज़्यादा खर्च करने पड़ेंगे, तो ये एक्सपेंसिव भी होता है। तो ये इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द प्रोडक्ट डिटेक्टर। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।